जय जोहार संगवारी, वीएलसी एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं आकाश कुमार वर्मा आज आप मल्ला मिलाए जात हूँ शिल्पा चंद्राकर के पिता कुलेश्वर चंद्राकर जी से। शिल्पा कुलेश्वर चंद्राकर जी वीएलसी न्यूज ला ये जानकारी दी से कि सेक्टर 5 में रहने वाला होकर बेटी सेक्टर 5 से बिहाव होके गेरी से जांजगीर चांपा वो बेटी कर लिस आत्महत्या। और ये आत्महत्या के कारण ये बताए जाते हैं कि ओकर जो परिवारजन है वो ओकर फांसी के वजह बनी से। फांसी के वजह एकर कारण बनी से कि वो मन हा ओला दहेज भर हमेशा प्रताड़ित करत रही से। प्रतिदिन ओकर मांग में बढ़ोतरी होत रही से। सास के आए दिन ओकर अलमारी पे कब्जा या ऐसे बड़े बड़े ओकर सन घटना घटे के घरेलू समस्या से वो प्रताड़ित हो गई रही हमेशा से। और ये भी बताया जा संगवारी हो कि वहाँ के थाना में वो आत्महत्या के रिपोर्ट ला नहीं लिखे जाते। दूसरा बात एकर जांच भर ओकर पिताजी से जब मांग करेगी तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पाई। एकर कारण आज ओकर पिताजी सेक्टर 6 थाना में ज्ञापन सौंपी से। दूसरा बात कि वो आज डीपीएस चौक में ओकर पूरा परिवारजन साथ खड़े होकर डीपीएस चौक में नाराबाजी कर रहे थे। आज यहाँ पे आए हो यहाँ पे शिल्पा जी के नाम से नारे लगाए जा रहे हैं। हम जानकारी का चीज करेंगे कि शिल्पा जी कौन है और उनके साथ क्या घटना हुई है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिल्पा जी कौन है। शिल्पा चंद्राकर मेरी पुत्री है। उनके साथ क्या घटना हुआ है सर? शिल्पा चंद्राकर में मृत पाई गई जब हम लोग पहुंचे वहाँ को। तो ये पारिवारिक मामला है तो मैं ये जानना चाहूँगा सर जी कि ये जो पारिवारिक मामला है इसमें किसका हाथ है उनकी मृत्यु के पीछे? टोटली उनके ससुराल वाले जिम्मेदार हैं, चाहे वो हत्या हो या आराम से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित किया जा रहा लिखा है, आप देख लीजिए। देखिए ये शिल्पा जी की आत्महत्या की गवाही दे रहा है। आप सभी यहाँ से ध्यान दीजिए और बिल्कुल इनका सपोर्ट कीजिए। मैं ये चाहता हूँ शिल्पा जी के अपराधियों को सजा मिले, इसके लिए उनके पिता माता और पूरे परिवार से यहाँ पे इकट्ठे हैं। फांसी में लटकना पड़ा चाहे कोई भी कारण से तो उनको भी हत्यारों को भी फांसी में लटकना मांगता हूँ मैं। यही मैं मतलब ये एक पिता की गुहार है दोस्तों कि यहाँ पे एक पिता की गुहार लगाई जा रही है। उनके परिवार वजन पूरा परिवारजन यहाँ पे एकत्रित होकर गुहार लगा रहा है, गवाही दे रहा है और उनके हथियारों को सजा दिलवाने के लिए वे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें डीपीएस चौक पे आज आई। मैं आप सबके साथ आकाश कुमार वर्मा वीएलसी एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।